हाय दोस्तों, ये है मेरे पास J7 Next और इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग की। जैसे ही चार्जिंग लगाते हैं इसमें प्रॉब्लम आ जाती है और चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। अभी आपको दिखाता हूँ। चार्जिंग इसमें कुछ टाइम चलती है और उसके बाद बंद हो जाती है। ये लोगो आ जाता है और चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। तो चलिए जल्दी से इसका समाधान ढूंढते हैं। ये फ़ोन पहले ही कहीं दिखाया गया है। पहले बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई चेक करते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। इसके बैटरी कनेक्टर पर पूरे वोल्टेज आ रहे हैं 4.3, लेकिन फिर भी चार्जिंग नहीं चल रही है। फिर भी चार्जिंग कुछ टाइम चलने के बाद स्टॉप हो जाती है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम कई जगह से आती है। जैसे चार्जिंग जैक ख़राब हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, या चार्जिंग आईसी ख़राब हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, बैटरी कनेक्टर ख़राब हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये इसकी चार्जिंग आईसी है, यहाँ से भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये चार्जिंग आईसी है और इसके ऊपर ये जो कोयल लगी हुई है इस पर भी लगभग 4 से 5 के बीच वोल्टेज आने चाहिए, जो कि ठीक आ रहे हैं। यानी कि चार्जिंग आईसी प्रॉपर काम कर रही है। ये इसके बैटरी के प्लस का पॉइंट है जहाँ पर 4.3 वोल्टेज आते हैं। इसमें शायद किसी ने पहले बैटरी कनेक्टर लगाया हुआ है, इसलिए माइक्रोस्कोप से एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई लाइन तो ब्रेक नहीं है। इसकी ये लाइन खुली हुई है दूसरे नंबर की। यहाँ से दिखा देता हूँ आपको एक बार, यहाँ से राइट साइड से दूसरा। ये शायद इसी लाइन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये किसी ने बैटरी कनेक्टर लगाया होगा तो उसकी वजह से लाइन उखड़ गई होगी। ये बैटरी के प्लस का पॉजिटिव पॉइंट है और ये सेकंड नंबर का यहाँ टच होता है, यहाँ से लाइन जाती है। एक बार आप देख लीजिए, ये यहाँ से और यहाँ तक आती है, इस कैपेसिटर तक। एक छोटा सा कैपेसिटर है ये, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखा दूँगा आपको। अब जल्दी से इसको एक जम्पर लगा के देखते हैं और फिर देखते हैं समाधान होता है या नहीं। Thank you.
दोस्तों जंपर बहुत सही तरीके से लगाना चाहिए, आपस में टच ना हो वरना फ़ोन शॉर्ट हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों मैंने ये जंपर यहाँ से लगाया है, देख लीजिए आप एक बार ध्यान से। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये लाइन उखाड़ दी थी जिसने भी इसका चार्जिंग जैक लगाया था, बैटरी कनेक्टर लगाया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी फ़ोन में। अब एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। चार्जिंग जैक लगा के देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। दोस्तों फाइनली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पहले ये बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रहा था और चार्जिंग स्टॉप का लोगो आ जाता था फ़ोन में, लेकिन अब ऐसा नहीं है और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। आप देख सकते हैं सही से चार्जिंग चल रही है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब चार्जिंग सही से चल रही है इसकी, यानी कि हमारी प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों।